उठ 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 शिवानी उठ 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 पानी लेके आ जल्दी। बिग बॉस मेडिकल में बुलाओ। मुझे कुछ भी सजा दे तो मैं ये सजा नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बिग बॉस, मुझे कोई भी सजा दे सकता। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। आखिर क्यों मांग रहे हैं? सो हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है वो है हमारी बिग बॉस OTT 3, जो कि मोस्टली लोग देख ही रहे होंगे, चाहे वो बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, सबको बिग बॉस OTT 3 बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी एक गाँव की लड़की भी तो गई है ना, जिसका नाम है शिवानी कुमारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे बिग बॉस के अंदर शिवानी कुमारी की भी एंट्री हो चुकी है, और शिवानी कुमारी के बिग बॉस में जाने के बाद में बहुत से लोगों की जी जान बन गया है बिग बॉस। जी हाँ बिल्कुल, मेरी भी जी जान बन गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शिवानी की वजह से। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि शिवानी को बिग बॉस में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। शिवानी ने अपनी लाइफ में तो करे ही करे हैं, पर यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिग बॉस में भी शिवानी को स्ट्रगल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। ना 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 ना, बिग बॉस में भी शिवानी हमारी स्ट्रगल करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हाल ही के एपिसोड में देखा गया है कि शिवानी बेहोश हो गई थी। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शिवानी का बेहोशी एक नाटक था, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली थी मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ़ कर दो ये बोलने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी शिवानी की ऑडियंस है उन सभी को पता है, सबने उसके व्लॉग्स वगैरह देखे हुए हैं, जो शिवानी है वो काफ़ी टाइम से माइग्रेशन की शिकार हैं। जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, शिवानी के माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। जब भी वो कुछ ज़्यादा सोचा करती हैं तो फिर उनके साथ में ये प्रॉब्लम देखने को अक्सर मिलती है, वो बेहोश हो जाया करती है। पर यहाँ पे भाई एक ह्यूमैनिटी नाम की जो चीज़ होती है ना, वो ना तो मुझे बिग बॉस के लोगों में दिखी है और ना ही वो हमारी इंडिया के लोगों में दिखी है, क्योंकि सबका बोलना है कि शिवानी एक नाटक कर रही है ताकि उसको पनिशमेंट ना करनी पड़े। और सबसे बड़ा जो छिछोरा इंसान मुझे बिग बॉस के अंदर लगा है ना, वो है हमारा अरमान मलिक, जो अपने घर को तो ठीक से चला नहीं पाया भाई, दो दो बीवियां करके बैठा हुआ है। अब वो हमें सिखाएगा कि शिवानी नाटक कर रही है कि क्या, कि शिवानी नाटक कर रही है कि शिवानी क्या कर रही है। भाई तू तो शर्म कर ले कम से कम। तू वैसे तो शिवानी को बोला करता था कि मेरी बहन है, मेरी बहन है। जब पायल की शादी में शिवानी आई थी, तो अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा वो कितने प्यार से बोल रहा था शिवानी आ गई है, हमारी बहन है। तो अब क्या हुआ भाई, अपनी बहन का साथ देने में तेरी, अभी मैं गाली वाली नहीं देना चाहती हूँ वरना मैं यहाँ पे पक्का देती गाली, भाई वो शिवानी को सपोर्ट करने को राजी नहीं है बंदा। पता है क्यों? क्योंकि शिवानी वहाँ पे चली कैसे गई, वो हमेशा सोचता था कि शिवानी नीची है उससे बहुत ज़्यादा, बट नहीं, अब आ गई है बात इक्वलिटी पे। शिवानी और अरमान दोनों ही एक ही शो के अंदर हैं, जिसमें ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, ठीक है। तो भाई शिवानी को जो भी लोग बोल रहे हैं कि वो नाटक कर रही है बेहोशी का, तो आप लोग जाके पहले उसकी प्रोफाइल को चेक कीजिए, फिर बात कीजिएगा कि शिवानी नाटक कर रही है कि शिवानी क्या कर रही है। शिवानी को माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन है उसको, और इसलिए वो जब भी ज़्यादा कुछ भी सोचती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो रैपर, क्या नाम है यार उसका, लेजी पता नहीं नेजी, वो कहता है जाकर के सना मकबूल से कि देखो ना जाकर के शिवानी वहां पे कैमरे के आगे अपना पजामा ऊपर करके बैठी है, दिखा रही है कि मेरे को भी चोट लगी है करके। क्या भाई तेरे को तो ढंग से बोलना भी नहीं आता और तू शिवानी की चुगली करने के लिए चला है। मुझे इतना तेज गुस्सा आया था ना कि जाके उस लेजी को ना, नेजी जो भी उसका नाम है ना, उसको ढंग से बता दूं कि तू है क्या भाई। सच में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है बिग बॉस वालों के अंदर। और मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ कि अरमान मलिक जो है ना वो बिग बॉस में से निकल जाए। किस किस को ऐसा लगता है कि अरमान मलिक बिग बॉस में रहने के लायक नहीं है, प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बताना। और कौन कौन शिवानी को सपोर्ट करता है वो भी कमेंट करके बताना। और भाई मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी शिवानी एलिमिनेट हो, नॉमिनेट हो एलिमिनेशन के लिए, तो फिर भाई उसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, क्योंकि अगर वो लड़की जीतगी ना तो हमारी भारत की लड़कियों की जीत होगी, सिर्फ और सिर्फ शिवानी की या शिवानी के घर वालों की जीत नहीं होगी। जिस जिसने एपिसोड देखा होगा उसको तो पता होगा कि अरमान मलिक ने पौलमी को साफ साफ बोला था कि पौलमी आप अपनी ये हाई हील्स उतार दो, पर नहीं, उस काली कलूटी बंदर लूटी को समझ में नहीं आई ये चीज़, उसने अपनी हील्स नहीं उतारी। पर क्या करा, दोनों के दोनों भाई भाग करके गए। तो आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे धक्का लगा है, शिवानी ने धक्का जानबूझ के नहीं मारा है और गिरे दोनों थे, चोट दोनों के लगी है। पर शिवानी हमारी बेचारी गांव की है ना, और बहुत ही ज़्यादा नीचे स्टैंडर्ड से उठ के बहुत अपर स्टैंडर्ड पर जा कर के खड़ी हुई है लड़की, इसलिए हमारी दुनिया चिढ़ती है। जैसा कि पूरे के पूरे हमारे भाई फ्यूचर से
पास्ट से ये चला आ रहा है कि जो इंसान अगर आगे बढ़ गया अपना नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस इंसान को ना कोई भी दुनिया सपोर्ट नहीं करती। यही चीज़ हमने बिग बॉस ओटीटी 3 में लाइव एग्जांपल देखा है। शिवानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है और उसी चीज़ के लिए बदला ले रहे हैं वहाँ के लोग उससे। और एक बात ध्यान रखना यार, अगर शिवानी जीतती है ना तो पूरी की पूरी भारत की लड़कियों की जीत है, सिर्फ और सिर्फ शिवानी या शिवानी के घर वालों की जीत नहीं है। अब आप लोग खुद देखो ना यार, अरमान मलिक जैसा यूट्यूबर जो कि शिवानी को एक टाइम पे बहन बोला करता था, इस टाइम पे आप बिग बॉस में देखोगे वो शिवानी को दोगली, साली, नौटंकी, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो भाई ऐसे बंदे को तो रहने का कोई हक ही नहीं है भाई शो के अंदर। तुम यार जब लड़कियों की एटलीस्ट बहन तो छोड़ो यार, तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तुम कहते हो कि तुम्हारा मैनेजर ने इसलिए उसको अनफॉलो कर दिया क्योंकि वो लायक नहीं है। लायक तो तू नहीं है बेटे, जो तू दो दो शादियां करके बैठा हुआ है। मेरा तो सच में अगर इतना ज़्यादा मन करा ना, अगर मेरे सामने आ जाए ना अरमान मलिक, तो मैं उसको ढंग से सिखा दूँ कि लड़कियों की इज्जत कैसे करी जाती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अदरवाइज मैं बहुत सारी गालियाँ बक दूंगी यहाँ पे, और गाली मैं देती नहीं हूँ। सो आप लोग किसको सपोर्ट करते हो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज का यही था। मैं कोई कंट्रोवर्सी वगैरह करने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कन्वे करने के लिए आई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ये चीज़ पता चल सके। वो भाई बिग बॉस में जो बैठे हुए जो 16-17 जो मेम्बर्स हैं, जो भी है भाई, उन लोगों को तो सच में ह्यूमैनिटी नहीं है, बट हम लोगों में तो है ना यार। शिवानी को सच में माइग्रेशन की प्रॉब्लम है और इस वजह से वो बेहोश हुई थी, उसने कोई भी ड्रामा या नाटक नहीं करा था। तो यार शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर के ज़रूर आए। ओके, और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग्स वगैरह लाती रहती हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि बिग बॉस कुछ थोड़ा सा यार अपने काबू में लेते हैं और बिग बॉस के बारे में बातें करते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यूली नोटिफिकेशंस।